और उधर हरदोई में साइकिल चुराने के आरोप में एक शख्स की पिटाई कर दी गई। रस्सी से बांध करके युवक को बड़ी बेरहमी से पीटा गया है। युवक ने खुद को बताया पूर्व चेयरमैन का भतीजा। युवक पर पहले भी साइकिल चुराने का आरोप है और युवक की पिटाई का वीडियो बना है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो की जांच में हरदोई पुलिस जुटी हुई है और शख्स को लोगों का कहना है कि ये पहली बार साइकिल चोरी करते हुए नहीं पकड़ा गया है, इसने और भी साइकिलें चुराई हैं। और ये युवक बता रहा है कि पूर्व चेयरमैन का भतीजा है। खबर मथुरा से है, पुलिस की पारदी गैंग के अपराधियों के साथ मुठभेड़ की खबर है। पारदी गैंग के 7 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 4 बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुए हैं। घायल बदमाश इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। अपराधियों के पास से तमंचे, जेवर और कैश बरामद। ये देखिए आप, पारदी गैंग के 7 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। मुठभेड़ हुई है और गोली लगने से 4 बदमाश घायल हुए हैं। इनके पास से तमंचे, ज्वेलरी, कैश, ये सब कुछ बरामद कर लिया गया है। मथुरा में सक्रिय पारदी गैंग की पुलिस से मुठभेड़ की खबर। 4 बदमाश गोली से घायल, 7 बदमाश धर दबोचे गए। पारदी गैंग के ये अपराधी हैं। इनके पास से कैश, तमंचा, ज्वेलरी, ये सब कुछ बरामद किया गया है। मथुरा पुलिस को यहां कामयाबी हाथ लगी है। पारदी गैंग के बदमाशों के साथ मुठभेड़, मुठभेड़ में 7 बदमाश धरे गए हैं। 4 की गोली लगने से घायल होने की खबर। गोरखपुर से खबर है, खेत के विवाद में किसान की हत्या का मामला सामने आया। धारदार हथियार से किसान की निर्मम हत्या की गई है। विवाद के बाद घर के बाहर टहल रहा था बुजुर्ग। पुलिस पूरे मामले को जांच रही है। कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के बिलदारी गाँव का मामला। खेत का विवाद था, जमीन का मामला था और इस पूरे मामले के बाद, कहासुनी के बाद, घर के बाहर बुजुर्ग टहल रहा था लेकिन इस पर धारदार हथियार से हमला करके मौत के घाट उतारा गया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। सीतापुर में करंट लगने से एक महिला की मौत की खबर है। हाई टेंशन तार गिरने से 4 लोगों के झुलसने की भी खबर आ रही है। गांव वालों का बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप है। हाई टेंशन तार टूटने के बाद भी बिजली विभाग नहीं आया और उसकी कीमत गांव वालों को चुकानी पड़ी। 4 लोग झुलसे हैं, एक महिला की मौत हो चुकी है। सीतापुर से करंट लगने से एक महिला की मौत की खबर। हाई टेंशन तार गिरने से 4 लोग झुलसे हैं। गांव वालों का बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप है। गांव वालों का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद भी विभाग से किसी ने आकर के इस हाई टेंशन तार के टूटने के बाद भी ये जरूरी नहीं समझा कि दुरुस्त किया जाए। शिकायतों का कोई असर नहीं रहा। हालांकि इसका खामियाजा गांव वालों ने जरूर भुगता है। एक महिला के मौत की खबर मिल रही है, 4 लोग झुलस चुके हैं। हाई टेंशन तार टूटने की वजह से इसकी जद में एक महिला आई, महिला की मौके पर मौत, 4 लोग झुलस चुके हैं। गांव वालों का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। विभाग से कोई शिकायत के बावजूद भी संज्ञान लेने नहीं आया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।